आईक्यूजी 9 एस प्रो वर्सेस मोटरोला एस 50 फ्यूजन, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट मोबाइल है, तो ये सारा चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सारे स्टेक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और देखेंगे एक बेस्ट मोबाइल कौन सा है अंडर 25 के, अगर आपका बजट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इन दोनों के डिजाइन की, दोनों में ही हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और बैक साइड में हमें वेगन लेदर देखने को मिल जाता है, और वहीं पे जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसमें हमें IP68 देखने को मिल जाता है, और वहीं पे जो आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें हमें IP64 देखने को मिल जाता है। अगर दोनों के थिकनेस की बात करें तो जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसमें हमें 7.8 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है, और वहीं पे जो आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें हमें 7.49 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्लिम फ़ोन है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर हम दोनों के वेट की बात करें तो आईक्यूजी 9 एस प्रो का 183 ग्राम है, और उस हिसाब से इसमें बैटरी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है 5500 mAh का, और 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसका वेट करीबन 175 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा आईक्यूजी 9 एस प्रो में। हम बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले की, जो आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें हमें 6.77 इंचेस का 120Hz का कर्व एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। पर ये नाम के लिए पीक ब्राइटनेस है, हमें करीबन 2000 या 3000 के आसपास उसी के बीच में हमें पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। और वहीं पे मोटो एस 50 फ्यूजन में भी हमें 6.7 इंचेस का 144Hz का पी ओलेड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, और जिसमें हमें 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, और दोनों ही HDR10+ सपोर्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों के डिस्प्ले को देखें तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही 2024 में लॉन्च हुए हैं, इसके चलते हमें इन दोनों में ही एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है। पर वहीं OS की बात करें तो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसमें हमें काफ़ी क्लीन UI देखने को मिल जाता है आईक्यूजी 9 एस प्रो के मुकाबले। तो आईक्यूजी 9 एस प्रो में कुछ अनवांटेड ऐप आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे हॉट ऐप्स है, ये सब हो गया। और वैसे आपको अगर गूगल डायलर नहीं चाहिए तो आईक्यूजी 9 एस प्रो में उसका अपना डायलर देखने को मिल जाता है। आते हैं इन दोनों के प्रोसेसर में, आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें 7th Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और वहीं पे मोटो एस 50 फ्यूजन में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 देखने को मिल जाता है, और इसका एंटूटी स्कोर करीबन 6 लाख के ऊपर आता है। तो अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आईक्यूजी 9 एस प्रो क्लियर विनर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया की, तो दोनों में हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, पर जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसमें हमें डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इन दोनों का कनेक्टिविटी की, तो जो आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें हमें वाईफाई 6 देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिल जाता है, और 8 5G बैंड के साथ आता है। वहीं पे डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट नहीं है, और इसमें हमें NFC भी नहीं मिलता है। और वहीं पे मोटो एस 50 फ्यूजन में बात करें तो इसमें हमें 11 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, वाईफाई 5 आता है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है, NFC सपोर्ट करता है इस पे, तो ये काफ़ी अच्छा है। दोनों के वेरिएंट्स की बात करें तो दोनों ही दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है, 8+128GB और 12+256GB, दोनों में LPDDR4X RAM देखने को मिल जाता है, और UFS 2.2। पर यहाँ पे आईक्यूजी 9 एस प्रो में हमें कम से कम UFS 3.1 मिलना चाहिए था। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों को कैमरा की, तो दोनों ही कैमरा के मामले में एक नंबर फ़ोन है। जो आईक्यू है वो दोनों में ही काम कर रहा है कैमरा और परफॉर्मेंस में आजकल, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। तो जो आईक्यू है उसमें हमें देखने को मिल जाता है 50 MP का OIS कैमरा, जिस सेंसर यूज़ किया गया है IMX882 और 8 MP का अल्ट्रा वाइड। और वहीं पे जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसमें हमें 50 MP का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि लिटिया 700C सेंसर के साथ आता है, और वहीं पे 13 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। दोनों से ही पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों में ही हम 4K 30fps से शूट कर सकते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा की, जो आईक्यूजी 9 एस प्रो है उसमें हमें 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे हम फुल HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पर वहीं पे जो मोटो एस 50 फ्यूजन है वो फ्रंट कैमरा में आगे निकल जाता है, हमें 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और इससे हम 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो मोटो एस 50 फ्यूजन है उसका एज कैमरा के साइड आता है। तो इस हिसाब से देखो दोनों ही अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई करते हैं अपने
फीचर्स के दम पे। तो आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो फ़ोन आप ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट फ़ोन है, मतलब वैल्यू फॉर मनी फ़ोन, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इस प्राइस रेंज पे। तो ये था दोनों फ़ोन का कंपेरिजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।